आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुर्जरपुरा में कई दशक से मीठा पानी न होने के कारण लोग परेशान हैं। गांव में 5 टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन एक भी सुचारू रूप से चालू नहीं। ग्रामवासियों ने बताया कि पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम प्रधानों ने केवल शोषण किया है, न कि विकास। मौजूदा प्रधान रामवीर सिंह से बात हुई, बताया कि हाल ही में प्रधान बना हूं, फिर भी 1.5 किलोमीटर दूरी से मीठे पानी की पाइपलाइन को डलवाकर गांव में मीठे पानी की सुविधा कराई गई है, फिर भी पानी भरने को लेकर महिलाओं में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों का कहना है कि अगर बनी टंकियां सुचारू रूप से चालू करा दी जाएं तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्राम प्रधान ने अपनी समस्या विकासखंड अधिकारी को अवगत करा दी है। ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी को मीठे पानी की समस्या बताई, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान ने गृह शासन प्रशासन से R9 भारत न्यूज चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाई है कि जल्द से जल्द गांव में चल रही किल्लत मीठे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। गांव पड़ता है जिसका गांव का नाम है गुजरपुरा, जो करीब 50 वर्ष से मीठे पानी की समस्या को झेल रहा है। आइए जानते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से, माता बहनों से मीठे पानी की समस्या को लेकर आए दिन यहाँ पे झगड़े होते हैं, लेकिन कई पंचवर्षीय योजना निकलने के बावजूद भी कोई भी मीठे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, यहाँ पे पानी की समस्या कितने सालों से है? यहाँ तो बहुत साल है। करीब कितनी साल? 50 साल से। हाँ, तो मीठा पानी मिलो ही ना है। तो जितने भी प्रधान हुए, क्या उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया? कौन ने ना किया? क्या आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत की? खूब करी है शिकायत, पर कोई ना सुना है, पर कोई करता ही ना है। जैसे कि यहाँ पे जो मीठा पानी भरा जा रहा है, यहाँ पे मीठे पानी को लेकर झगड़े भी होते हैं? हाँ, होते हैं झगड़े, होते हैं। और पानी है तुम्हारे, मार कुटाई है जाता, खूब दवा ले जाते। शासन प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे मीठा पानी चाहिए, हमारे लिए टंकी लगाओ बड़ी बारी, जब हमारा पार पड़ेगी यहाँ ठोनी। आपका पानी की समस्या कितने सालों से? तो इतने बड़े हैं जब तक पानी की समस्या चल रही है, फिर भी अब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कितने साल हो गई? 30, 40, 50, 60? 60 साल से हम देख पा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है? कुछ नहीं था। जैसे कि आपने देखा, मैंने एक माता बहने से भी बात की, प्रधान जी से भी बात की, ये मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं इनसे भी मैंने बात की है। इनका सभी का ये कहना है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक जो निकली हैं, सभी ने यहाँ के जो प्रस्ताव थे सभी को नज़रअंदाज किया गया है, शासन प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यह गुजरपुरा की ग्राम पंचायत फतेहपुर सीकरी विकास खंड अधिकारी ने बिल्कुल भी यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दिया है, अन्यथा यहाँ पर मीठे की पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। आप देख रहे हैं, करावली तहसील संवाददाता राज जी। प्रधान जी, यहाँ पर जो मीठे की पानी की समस्या है, कितने वर्षों से है? करीब करीब 50 साल से पहले से ही दिक्कत चली आ रही है पानी मीठे की। जो पहले जो प्रधान हुए हैं, क्या उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया या मतलब लापरवाही गई थी? इसके बारे में किसी प्रधान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है पानी के बारे में जी। और हमने अभी फिलहाल में 1.25 इंची की बोरिंग कराई है, जो लोग भर रहे हैं, जिसे अपनी व्यवस्था में रखी है और इसे अपनी टाइम पास कर रहे हैं जी। सर, ये कितनी दूरी से आप समरसेबल की पाइप को लेके आए? ये करीब 1100 मीटर के करीब से दूरी दे रहे हैं। क्या सरकार ने इसके लिए पैसा दिया? हाँ, सरकारी पैसा से ये कराया गया है। तो आने वाली जो आपके गांव में करीब 4 से 5 बड़ी बड़ी 10,000 लीटर वाली जो टंकियां बनी हुई हैं, क्या उनमें से कोई सुचारू रूप से चालू है? उनमें से सभी फेल हैं और सभी का उनमें पानी बोरों का नीचे उतर गया है और खारी वही पानी हो गया उनके सब जी। आज की डेट में आप 5 वर्ष तक इस पंचवर्षीय योजना के प्रधान रहेंगे, तो इस चीज़ को लेकर के, मीठे पानी की समस्या को लेकर के आपने क्या क्या विचार किए हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, हमने तो खैर किए जो किए हैं, वैसे सरकार ने भी एक मीटिंग में, सांसद जी ने बोला था, विधायक जी ने बोला था कि एक महीने, आज से करीब 6 महीने पहले जब चुनाव हुआ था प्रधानी का जी, वहाँ से बाद में ही उन्होंने बोला था 1 महीना के अंदर अंदर तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, जबकि प्रस्ताव भी हो चुका था हमारी आगर वाले टीले पर जी, जी। और मीठे पानी का सैंपल भी ले गए थे, पर वो 1 महीना के आज तक कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। इस चीज़ को लेकर शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है या नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, सरकार की बहुत कमी है, लापरवाही है सरकार की, क्योंकि फतेहपुर सीकरी पहले से मालूम है, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है,
इसलिए सरकार की कमी है, लापरवाही है सरकार की। आपने मैंने ग्रामवासी बता रहे थे कि आपके यहाँ पे जो बड़ी टंकी का प्रस्ताव आपने अधिकारियों उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ पहुँचाया है, अधिकारियों के लिए पहुँचाया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा था कि जल्दी से लगवाई जाएंगी, चुनाव से पहले लग जाएंगे ये विधानसभा चुनाव, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील संवाददाता किरावली, राजकुमार, R9 भारत।